रैली के बाद नवाज शरीफ का पावर शो, साबिक वजीर आजम का मिशन जीटी रोड, काफिला शमसाबाद पहुंच गया, कंटेनर साथ साथ, नवाज शरीफ का हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब, खिताब का इंतजार। परचमों की बहार, जगह जगह नवाज शरीफ के पोस्टर, इस्तकबालिया कैंप सज गए, रैली में शरीक लीगी रहनुमाओं का जोशो खरोश काबिले दी, कारकुनों का अपने कायद से वालेहाना अकीदत का इजहार, इमरान खान के खिलाफ नारे। साउंड सिस्टम से सजा ट्रक भी काफिले में मौजूद, जीटी रोड हैवी ट्रैफिक के लिए बंद, 6000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात, हेलीकॉप्टर्स के जरिए फजाई निगरानी, शाहरा पर फोन सर्विस बंद रखने की तजवीज। से पहले नवाज शरीफ के बड़े फैसले, शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्तकिल वजीर आजम रखने का ऐलान, शहबाज शरीफ पंजाब में खिदमत जारी रखेंगे, मुश्किलात के बावजूद हौसला बुलंद रखने का अज़्म। लोगों को समझ में नहीं आ रहा और खास तौर से जो हमारे मुखालफीन हैं कि ये इंसानों का समुंदर निकला कहां से है, वो तो शायद ये समझते थे कि लोग उन्हीं के साथ हैं, लेकिन उनके साथ एक मखसूस लोगों की तादाद जरूर है। मुखालिफीन परेशान हैं, इंसानों का समंदर कहां से आ गया, मुशाहिदुल्लाह का तंज, आवाम का सड़कों पर सैलाब, इनकलाब है, अमीर मकाम की गुफ्तगू, शेर बाहर निकला तो इमरान खान बनी गाला में छुप गए, दानियाल अजीज की तनकीद, बल्ला टूटने का जिक्र, उनकी टांगे कांप रही हैं, उनका कलेजा चाटा गया, अब इमरान खान सुना बनी गला में छुप गया जाके, उसको पता चलना चाहिए कि शेर ने जब धाड़ मारी तो क्या होगा पीटीआई के साथ, ये बल्ला चूर चूर हो गया, टूथ पे रहेगी ये बल्ले की टूथ पे रहेगी है। आवाम का एतमाद ही नवाज शरीफ का हौसला, रैली जमहूरियत की बुनियाद और सियासी जमातों के लिए ऑक्सीजन है, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ट्वीट। नवाज शरीफ ने बहुत देर कर दी, आर्टिकल 62-63 पर अब तब्दीली का वक्त नहीं, खुर्शीद शाह के गिले शिकवे, रैली अदलिया और फौज पर दबाव डालने की कोशिश है, कमर जमान कायरा की तनकीद। रांझा रांझा कर दी नी में आप पे रांझा हुई, जीटी रोड पर रैली और कंटेनर के इस्तेमाल पर पीटीआई के रहनुमा असद उमर का तंज, गुजरावाला में नून लीग के इस्तकबालिया कैंप में नौजवानों के भंगड़े, एमपीए तौफीक बट भी शामिल, जेहलम में शुरका के लिए खाबों का इंतजाम। शहरे लाहौर तक हर जगह से पल पल की खबर, हर जाविये का मंजर, माहरीन के तज़िये, मिशन जीटी रोड की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ दुनिया न्यूज पर। पीटीआई ने साबिक वजीर आजम की सियासी सरगर्मियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी, नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके नाम पर मौजूद जमात कलदम करार दी जाए, बाबर आवान का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के नाम ईसीएल में डालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कौम के बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान, तेमरगरा ऑपरेशन में मेजर और 3 जवान शहीद, जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, शहदा की पिशावर और लाहौर में नमाज जनाजा, आला सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत।
मर्दों के बुजदिलाना हमले अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। जवानों के खून का एक एक कतरा पाकिस्तान के अज़्म का मजहर है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का शोहदा को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ से सऊदी नायब वजीर दिफा की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा का हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब की जोग्राफियाई खुद मुख्तारी की हिफाजत का आज़म। यंग डॉक्टर्स की ढिटाई बरकरार, नवे रोज भी हड़ताल। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में इंडोर और आउटडोर बंद, मरीज और लवाहकीन ख्वार। कराची में डाकू राज, बैंक लूटना मामूल बन गया। खारादर में एक और डकैती, 5 मुलजिम 6 लाख लूट कर 9-2-11, पुलिस लकीर पीटती रह गई। बिजली की तलब में इजाफा, शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 4 से 6 और दही इलाकों में 10 घंटे तक बत्ती बंद। MQM पाकिस्तान ने 14 अगस्त को जश्न आजादी पर मुल्क भर में प्रोग्राम्स करने का ऐलान कर दिया। परचम कुशाई भी होगी। आजादी धूमधाम से मनाएं और दुनिया को दिखाएं। तस्वीर भेजें, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। कराची में बादलों की आंख मचोली, मौसम सुहाना, शहरियों की हिल पार्क में चहलकदमी, शहर में हल्की बारिश का इम्कान। नजम से ठीका, चेयरमैन पीसीबी बनने का ख्वाब पूरा, 3 साल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब। मुलाजमीन में कमी करने और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए पुरअज़्म।